प्रभावी रात्रिकालीन गश्त व चेकिंग के दौरान एक वाहन जो पिकअप बोलेरो था उस वाहन संदिग्ध लगने पे और पुलिस की गाड़ी को देख के उसने वापस टर्न किया, जिसके पीछा किया गया और पीछा करने के वो कच्चे रास्तों में गया और कच्चे रास्तों में जाने के बाद में वो भागली गांव के पास में गाड़ी उसकी फंस गई और वो बदमाश थे जो तलाश करते करते पुलिस का जो वाहन थे वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस गाड़ी को छोड़ के भागने के बाद में पकड़ा, चेक किया। चेक करने के उसमें 54 कट्टे प्लास्टिक के मिले जिनमें कुल 1151 किलोग्राम बोडापोस था और साथ में गहनता से तलाशी की गई तो उसके अंदर 2 पिस्टल थी, 11 राउंड थे, 4 मैगजीन थी। बदमाशान की तलाशी के लिए रात्रि में ही कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन चूंकि वो जो गाड़ी पीछा कर रही थी उस गाड़ी को पीछा करने के बाद में उसने साइड में जो कच्चे रास्ते को ले लिया और अभी उसकी तलाश जारी है और जो चीज़ें हैं उसके आधार पर आप तलाश कर रहे हैं। ठीक है सर। सिंह महोदय के नेतृत्व में जो रात को NDPS की कार्रवाई हुई है वो पुलिस की एक अच्छी सफलता है और ये प्रभावी गश्त व्यवस्था के चलते संभव हुई है। इसमें जो माल मिला वो करीब मार्केट वैल्यू उसके 2.25 करोड़ रुपये है और व्हीकल की करीब 25 लाख रुपये का व्हीकल है, तो इस तरह कुल मिलाकर हमारा 2 करोड़ का सीजा है।